हमारे सामने एक और गाड़ी आ चुकी है 2002 का ये मॉडल है। अभी आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, अभी गाड़ी का ये फर्स्ट लुक वगैरह देख लें भाई लोग। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का ये फर्स्ट लुक वगैरह देखने को मिल जाता है। अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। यार काफ़ी रश है यहाँ पे, तो इस वजह से लोग आ रहे जा रहे हैं, उसके लिए माजरत। तो आप गाड़ी का ये साइड लुक वगैरह देख सकते हैं। अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, आप ये गाड़ी का साइड लुक वगैरह देख लो। कुछ इस तरह से हमें ये गाड़ी का साइड लुक वगैरह देखने को मिल जाता है। और अगर हम गाड़ी के टायरों की बात करें तो टायर से हमें गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में दिखने को मिल जाती है, नीट एंड क्लीन है। और अभी आपको गाड़ी के पीछे वाले टायर भी दिखा देता हूँ, ये गाड़ी के पीछे वाले टायर वगैरह देख सकते हैं। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और अगर हम गाड़ी के बैक की बात करें तो आप गाड़ी की बैक की कंडीशन की बात देख सकते हैं। बैक से भी हम गाड़ी बिल्कुल ओके और नीट एंड क्लीन कंडीशन में हमें गाड़ी देखने को मिल जाती है। अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। अब ये गाड़ी का ये फ्रंट वगैरह देख लें भाई। हमें गाड़ी के डोरों की बात करें तो आप गाड़ी के डोर वगैरह देख सकते हैं। कुछ इस तरह से हमें ये गाड़ी के डोर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम गाड़ी की सीटों की बात करें तो आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख लें। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की सीट्स वगैरह देखने को मिल जाती है, नीट एंड क्लीन और काफ़ी साफ सुथरी कंडीशन में हमें गाड़ी देखने को मिल जाती है। और अभी आपको गाड़ी की आगे से कंडीशन दिखा देता हूँ, मैंने आगे से गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो अगर हम गाड़ी के डोरों की बात करें तो आगे वाले डोरों आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से हमें ये आगे के डोर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम गाड़ी की सीटों की बात करें तो आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख लें भाई लोग। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की सीट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। अभी आगे की सीट्स वगैरह भी देख लें। और अगर हम गाड़ी के इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करें तो आप गाड़ी का ये इंटीरियर डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हैं। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का इंटीरियर और डैशबोर्ड वगैरह देखने को मिल जाता है। अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टैक्ट करवा देता हूँ। अभी आपको गाड़ी का ये इंजन रूम वगैरह दिखा देता हूँ, आप ये गाड़ी का ये इंजन रूम वगैरह देख सकते हैं। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का ये इंजन रूम वगैरह देखने को मिल जाता है। और अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, आप ये गाड़ी का इंजन रूम वगैरह देख सकते हैं। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड वगैरह क्या कर रहा है। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और डिमांड क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, भाई जान गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत तफसीलात वगैरह बता दीजिएगा। 2002 का मॉडल है, ठीक है, इसका चेंज है, सिविक का लगा 1500 cc साइड में चढ़ा हुआ है। ठीक हो गया, 7,30,000 रुपये डिमांड है, फाइनल 7,000। ठीक है, पेट्रोल सी जी दोनों पे सी के लिए एक लीटर में कितना देरी अंदाजा है कुछ? ठीक है, डॉक्यूमेंट सिविल सी टैक्स से क्लियर है, कितने ओनर है गाड़ी के? फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ठीक हो गया। अपना नंबर और नाम वगैरह बता दो। मेरा नाम है 0015370273। ठीक हो गया, लोकेशन कहाँ की भाई? नॉर्थ कराची डिस्ट्रिक्ट। ठीक हो गया, डिमांड दोबारा बताना गाड़ी की? 7,30,000। ठीक हो गया, थैंक यू। भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दी, गाड़ी मैंने आपको दिखा दी। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शुक्रिया। दोस्तों हमारे सामने एक और गाड़ी आ चुकी है 2009 का ये मॉडल है। अभी आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, अभी ये गाड़ी का ये फर्स्ट वगैरह देख लें भाई लोग। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का ये फर्स्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। अगर हम गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो आप गाड़ी का ये फ्रंट वगैरह देख लें। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का ये फ्रंट वगैरह देखने को मिल जाता है। अभी आपको गाड़ी का साइड लुक वगैरह भी दिखा देता हूँ, आप ये गाड़ी का साइड लुक वगैरह देख लें। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का साइड लुक देखने को मिल जाता है। और अगर हम गाड़ी के टायरों की बात करें तो आप गाड़ी के टायर वगैरह देख लें। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के टायर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो अभी हम गाड़ी के पीछे वाले टायरों की बात करते हैं, आप गाड़ी के पीछे वाले टायर वगैरह देख लें भाई लोग। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के पीछे वाले टायर देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम गाड़ी के बैक की बात करें, लाइक बैक की कंडीशन की बात करें, तो आप गाड़ी की बैक की कंडीशन की देख सकते हैं हालात। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के ये बैक की कंडीशन देखने को मिल जाती है। अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन दिखा देता हूँ, आगे से भी दिखा देता हूँ, मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो अगर हम गाड़ी के डोरों की बात करें तो आप गाड़ी के ये डोर वगैरह देख लें भाई लोग। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के ये डोर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और अब अगर हम गाड़ी के इंटीरियर और डैशबोर्ड की बात करें तो आप गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड वगैरह देख लें। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड वगैरह देखने को मिल जाता है। सीट्स वगैरह देख सकते हैं आप लोग। और अभी आपको गाड़ी के पीछे से कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, डोर वगैरह की। तो अगर हम गाड़ी के पीछे वाले डोरों की बात करें तो आप गाड़ी के ये पीछे वाले डोर वगैरह देख लें। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के ये पीछे वाले डोर देखने को मिल जाते हैं। सीटें वगैरह देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी साफ सुथरी कंडीशन में भाई ने गाड़ी मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टैक्ट करवा देता हूँ। तो अभी आपको गाड़ी का ये इंजन वगैरह दिखा देता हूँ, आप ये गाड़ी का ये इंजन वगैरह देख लें भाई लोग। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का ये इंजन वगैरह देखने को मिल जाता है। बैटरी वगैरह देख सकते हैं आप लोग। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा चुका हूँ। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, भाई जान गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत तफसीलात वगैरह बता दीजिएगा। गाड़ी है 2009 का मॉडल है, ठीक है, और शावर है, बाकी एसी वगैरह सब कुछ ओके, डॉक्यूमेंट क्लियर है। इसकी डिमांड है 7,500 रुपये। 7,500 कमी पेशी होगी अगर कोई बंदा आता है? हो जाएगी, अगर कोई सीरियस बायर हो तो उसके साथ 10-15,000 रुपये। ठीक हो गया, डॉक्यूमेंट सिविल सी टैक्स से क्लियर है, सब कुछ ओके है। और कितने ओनर? सेकंड ओनर गाड़ी है, ठीक हो गया। अपना नंबर और नाम वगैरह बता दीजिएगा। मेरा नाम वकार है और नंबर है 03118367884।
और लोकेशन कहाँ की भाई? लोकेशन ये गार्डन साइड। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दी, गाड़ी मैंने आपको दिखा दी, अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, शुक्रिया। तो दोस्तों हमारे सामने एक और गाड़ी आ चुकी है, 87 का ये मॉडल है, अभी आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देते हैं। 1987 का ये मॉडल है, अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, आप ये गाड़ी का साइड लुक वगैरह देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, आप ये गाड़ी का साइड लुक वगैरह देख सकते हो भाई लोग, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का ये साइड लुक वगैरह दिखने को मिल जाता है। अब ये गाड़ी के टायर वगैरह देख लें माशाल्लाह से, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के ये टायर दिखने को मिल जाते हैं। और अगर हम गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो आप गाड़ी का ये फ्रंट वगैरह लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का ये फ्रंट लुक देखने को मिल जाता है। अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। अगर हम गाड़ी के बैक की बात करें तो आप गाड़ी का ये बैक की कंडीशन वगैरह देख लें माशाल्लाह से, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की बैक की कंडीशन देखने को मिल जाती है। अभी आपको गाड़ी की अंदर से कंडीशन दिखाता हूँ, भाई ने किसे अंदर से गाड़ी मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो अगर हम गाड़ी के डोरों की बात करें तो आप गाड़ी के डोर वगैरह देख लें भाई, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के ये डोर देखने को मिल जाते हैं, जैसी गाड़ी आपको वैसे ही दिखाया जाएगा। तो अगर हम गाड़ी की सीटों की बात करें तो अभी आपको गाड़ी की पीछे वाली सीट्स वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी की पीछे वाली सीट्स वगैरह देख लें भाई लोग, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की पीछे वाली सीट्स देखने को मिल जाती हैं। और आप सीट्स वगैरह देख लें, स्पीकर शायद लगे हुए, ये देख लें आप लोग, स्पीकर वगैरह लगे हुए। अभी आपको गाड़ी की आगे से कंडीशन दिखा देता हूँ, आगे से भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो अगर हम गाड़ी के आगे के डोरों की बात करें तो आगे के डोर हमें कुछ मुनासिब देखने को मिल जाते हैं, बाकी ये आप शीशा देख सकते हैं भाई गिरा हुआ है। और अब ये गाड़ी के इंटीरियर डैशबोर्ड वगैरह देख लें भाई लोग, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का इंटीरियर डैशबोर्ड वगैरह देखने को मिल जाता है। सीटों की बात करें तो आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की ये सीट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, नीट एंड क्लीन और काफ़ी साफ सुथरी कंडीशन में हमें गाड़ी देखने को मिल जाती है। बाकी लाकी कुछ मसले वगैरह हैं आप देख सकते हैं, मैंने डोर आपको दिखा दिया उसमें मसला है, और काफ़ी नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी इतनी भी कोई खास नहीं है, लेकिन अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, फैमिली यूज़ गाड़ी। अभी आपको गाड़ी का इंजन दिखा दो तो उसके बाद जिन भाई की गाड़ी भाई से कॉन्टैक्ट करवा दे रहा हूँ। तो अभी आपको गाड़ी का ये इंजन वगैरह दिखा देता हूँ, अब ये गाड़ी का इंजन वगैरह देख सकते हैं भाई लोग, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का ये इंजन वगैरह देखने को मिल जाता है। अब ये गाड़ी की बैटरी वगैरह देख लें और कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की ये कंडीशन देखने को मिल जाती है, और आई होप आपको सही से नज़र भी आ रहा होगा। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड क्या कर रहे हैं। सलाम भाई जान। भाई जान गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत तफसीलात वगैरह बता दीजिएगा। भाई जान ये मैंने शॉप में रखी हुई, बस मजबूरी के तहत बेच रहा हूँ। अच्छा, स्पेशल एडिशन है, 86-87 मॉडल है, और दूसरी बात ये कि इसमें इंडस का इंजन दरा हुआ 1600। ठीक है, एवरेज जो है वो करोला वाला, जो नई करोला है उसका एवरेज है 1200 एवरेज है माशाल्लाह से। ठीक है, गाड़ी स्पेशल एडिशन है, इंपोर्टेड है, ठीक है, पाकिस्तानी नहीं, जापानी गाड़ी। अच्छा, सीएनजी इसमें? सीएनजी है लेकिन यूज ही करते, पेट्रोल भी यूज करते हैं। एसी वर्किंग में? एसी वर्किंग। ठीक हो गया, इंजन अपना इसका? इंजन अपना इंडस का दरा हुआ है। ठीक हो गया, ठीक हो, कितने सीसी है? 1600 सीसी। डॉक्यूमेंट सीपीएलसी टैक्स सब क्लियर है, स्मार्ट गाड़ी बना हुआ। ठीक हो गया, अपना नंबर और नाम वगैरह बता दें और डिमांड बता दें पहले। डिमांड इसकी 3 लाख। 3 लाख कमी पेशी होगी अगर कोई? थोड़ी बहुत हो जाएगी, ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक हो गया, अपना नंबर और नाम वगैरह बता दें। मेरा नाम जो है वो मोहम्मद आरिस है, और नंबर 0331207905। और लोकेशन कहाँ की भाई? लोकेशन गुलिस्तान जवाब। थैंक यू सो मच। भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दिए, नंबर भाई ने दे दिया, गाड़ी की डिमांड भी बता दी, अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शुक्रिया।